दारू की जो नशे के मत में होता है, हत्यारा वो है जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दारू बंद करने के बावजूद भी यहाँ दारू उत्पन्न किया जा रहा है। उनके दहेज बंद करने के बाद भी दहेज लिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाने के बाद भी लोग सरेआम बेटियों को कत्लेआम कत्ल कर रहे हैं। मैं ये पिक्चर बना के ये दिखाना चाहता हूँ, दारू के मद में आकर, दारू के नशे में आकर आप अपने और पराए का भेद मत। इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि एक ही दारूबाज जो दारू के नशे में आकर अपनी बेटी को एक ऐसे गलत तरीके से गलत आदमी के साथ उसका परिणाम सूत्र बांधता है, जिसके चलते उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि कितने जैसे नवयुवक वर्ग दारू पीकर नशा के मद में आकर सरेआम आजकल खाना नहीं चाहिए, चौक चौराहों पे देखा जा रहा है हमारे बेटी बहुओं का हत्या कर देना, मर्डर कर देना, उसका बलात्कार कर देना और उसे टॉर्चर करना। टॉर्चर इतना किया जाता है कि हमारी बेटी बहुएं खुद से आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। और मैं ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ, बना के ये दिखाना चाहता हूँ कि ये अश्लीलता मुक्त है। आज तक हमने जो भी वीडियो सॉन्ग्स और फिल्में बनाई, साफ सुथरे बनाई, आगे भी मैं कामना करूंगा अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे भी पिक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो साफ सुथरी ही फिल्म बनाऊंगा। ये भी फिल्म इसलिए मैं रविशंकर जी महाराज जी के सामने समक्ष ये पिक्चर का ओपनिंग किया, शुभ मुहूर्त किया, क्योंकि ये पिक्चर साफ सुथरी है। अब मैं इतना ही कहकर अपने वाणी का विराम दूंगा और मैं महाराज से गुजारिश करूंगा हमारे बारे में, हमारे पिक्चर के बारे में और आज के बारे में दो शब्द कहें और हमें सर जी महाराज जी आप चला रहे हैं यहाँ पे चल रहे थे भोजपुरी अश्लील भोजपुरी अश्लील मुक्त अभियान के बारे में कुछ आप बताएं। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के ऊपर हम बात करते हैं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ हत्यारा मूवी के डायरेक्टर जो हमारे अनुमंडल के ही हैं, स्थानीय हैं, इनको विशेष शुभकामना सुभाषित देना चाहता हूँ कि इनका उज्जवल भविष्य हो और इसके बाद इनको और कई सामाजिक कुरीतियों के ऊपर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सबसे पहले इनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका जो विषय इनके माध्यम से हम सभी ने सबों ने सुना है कि इनका इस मूवी के माध्यम से ये समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं और सरकारों की क्या भूमिका तय करना चाहते हैं। इस मूवी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे देश काफी संकटों से गुजर रहा है जिसमें अपराध सबसे ज्यादा चरम पर है। इसमें किस तरह से सामाजिक भूमिका हो सकती है या सरकार की भूमिका हो सकती है, इसके ऊपर यह मूवी सबसे ज्यादा चोट करेगी कि ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और धर्म है कि किस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने इसमें चयनित किया है तो एक तो अपराध का, नशे की हालत में लोग ज्यादा से ज्यादा अपराध को अंजाम देते हैं, ये सबके नजर में है, सब इस पे इससे आश्वस्त है कि जितने भी अपराध हमारे देश या राज्यों में होते हैं उन सब में सबसे बड़ी अगर भूमिका होती है, अक्सर यह जांच के उपरांत यह पाया जाता है कि हर अपराध हर घटना नशे की जद में आकर के किया जाता है, इसके ऊपर इनका प्रहार है, चोट है और ये संदेश समाज के बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं कि नशा मुक्ति के लिए जन जन में, हमारे परिवार समाज में, हम सबका नैतिक धर्म है, सब एक दूसरे को प्रेरित करें कि सभी लोग नशा मुक्त होकर के एक सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग और योगदान दें। और इनका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि अश्लील मुक्त अभियान चंपारण से चलकर पूरे बिहार और अन्य राज्यों में भी पहुंच रही है तो इसका भी समर्थन के साथ साथ इन्होंने यह भगवान के दरबार में आश्वस्त किया है
कि हम सामाजिक कुरीतियों के ऊपर प्रहार करेंगे, समाज में किसी तरह की अश्लीलता परोस करके समाज को विकृत करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद और स्वागत। और हमारे यहाँ सभा में उपस्थित हमारे डायरेक्टर के साथ उनके कलाकार हैं, सहयोगीगण हैं, इनके फोटोग्राफर हैं और जो भी महिला नेत्री हैं, सबों को शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। सर पूछ रहे हैं अश्लीलता के, पूछना चाहते हैं सर की अश्लीलता अगर हम देखते हैं अश्लीलता तो हमको नहीं देखना चाहिए, जब हम नहीं देखेंगे अश्लीलता तब भी बंद होगा अश्लीलता, अगर हम अश्लीलता देखना शुरू करेंगे तो अश्लीलता बंद नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और हमें लगता है कि जो लोग अश्लीलता को प्रश्रय देते हैं उनके माध्यम से अक्सर ये सवाल को उठाया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये सवाल होते हैं। अश्लील से अश्लील गाना गाने के बाद लोग ये दलील देते हैं कि हमको नहीं सुनना चाहिए और अगर हम नहीं सुनेंगे तो लोग नहीं गाएंगे। इस पर मैं कड़ी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि समाज में आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार को अपराध रोकने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, यह बिल्कुल इसके विपरीत है। उसी तरह से यह जब हम सभी लोग इसको परोसने वाले, समाज में परोसने वाले लोग इसके प्रति जागृत हो जाएं और यह जिम्मेदारी ले लें कि समाज में हम इसको परोसेंगे नहीं परोसेंगे तो स्वाभाविक तौर पर लोग उसको नहीं देखेंगे और नहीं भी देखने वाले लोग, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आजकल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप देखना चाहें या नहीं देखना चाहें फिर भी आप ब्राउज करते हैं नेट के माध्यम से तमाम चीजों को, आप भगवान के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे उस ब्राउजर के माध्यम से, आपके सामने इतनी बुरी चीजें अश्लील चीजें आएगी कि बिना क्लिक किए भी अगर वो क्लिक हो गया तो आप उसके जद में आ गए। इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर देना चाहता हूँ, इस पर ज्यादा चर्चा करना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउसेस जो इसके ऊपर काम कर रही है, जो बना रही है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा तय होती है और उनको इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी मूवी बॉलीवुड और अन्य हाउसेस के माध्यम से बनाई जा रही है जिसमें सामाजिक जो व्यवहारिक चीजें हैं जो समाज में वास्तविक रूप में घटित हो रही है वो मूवी सबसे ज्यादा चल रही है, उस पर लोगों का व्यूज सबसे ज्यादा है और आज के परिवेश में लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और लोग अरबों खरबों उससे कमाई भी कर रहे हैं। इसलिए यह ज्यादा जरूरी है कि समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं उसको रोकने के ऊपर यह प्रदर्शन हो, इस तरह के मूवी बनाए जाए, उस पर लगाम भी लगे और आपका कमाई भी उससे बेहतर हो। धन्यवाद।